कुल्लू के ढालपुर स्थित विभाषा होटल में पुलिस ने रेड के दौरान देह व्यापार के आरोप में 8 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। सभी लड़कियां कुल्लू क्षेत्र की रहने वाली है। मामले में होटल के मैनेजर और एक अन्य लड़के को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं मामला दर्ज कर पुलिस ने आगामी छानबीन शुरू कर दी है। जिला कुल्लू के ढालपुर में एक होटल में पुलिस ने वीरवार शाम को रेड मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 8 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने होटल के मैनेजर और होटल में काम करने वाले एक लड़के को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को उक्त होटल में देह व्यापार करने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए एक योजना बनाई। योजना के तहत 2 पुलिस वालों को होटल में ग्राहक बनाकर भेजा गया। बाद में रेड करके पुलिस की टीम ने 8 लड़कियों को गिरफ्तार किया। ASP कुल्लू निश्चल नेगी ने बताया कि पुलिस को उक्त होटल में देह व्यापार चलाने की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने योजना के तहत 2 पुलिस वालों को ग्राहक बनाकर भेजा और होटल में रेड करके 8 लड़कियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि देह व्यापार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। साथ साथ जब हमारी टीम जो गश्त पे थी, उनको ये पता लगा कि यहाँ पे विपाशा होटल में देह व्यापार चल रहा है, तो SHO ने अपनी टीम फॉर्म करके वहाँ पे 2 सिपाहियों को ग्राहक बना के भेजा था, जिसके तहत जैसे पैसा ट्रांजैक्ट हुआ, उसके बाद हमने कमरों में रेड कर दी। इसमें हमने पाया कि वहाँ तकरीबन 8 लड़कियाँ थी और साथ ही साथ वहाँ पे एक मैनेजर और उनका असिस्टेंट मैनेजर था जो विपाशा होटल को चला रहा था, तो उनसे पूछ के उनकी स्लिप पाई गई इसमें। तो इसमें हमने इन सबको वहाँ से रेस्क्यू किया है और इनको 2 को हमने गिरफ्तार किया है अभी फिलहाल। आगे जैसे जैसे जांच चलेगी उस तरीके से हम कार्रवाई होगी। ये लोकल ही है लड़कियाँ, तो मैं स्पेसिफिक नहीं बता पाऊंगा आपको, वैसे हमारे लोकल ही हैं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।